गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भवता प्रणाशिने आनंद धर्मूर्ते ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय मां। ये जो लीला है ना, साधना का खेल, इसमें ऐसे अनेक महत्वपूर्ण बातें हैं। सब बातें तो हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन आप पढ़ सकते हैं जरूर। ये जो ग्रंथ जो है, सब सुक्रिय स्वर सामृत है, आनंदमय प्रसंग है। स्वयं मांग ने जो बताया है उसी का है, जैसा मायर कथा है। ये सब ग्रंथ जो है ना, अमर कथा है। ये सब अगर आप पढ़ लेंगे ना ठीक ढंग से, तब इस बात को जान जाते हैं। ऐसी कौन सी भी दुनिया में अवस्था नहीं है जिसके बारे में हमारे मन में शंका हो और उसका जवाब उसमें नहीं है। एक भी नहीं मिलेगी, मैं दावे के साथ कर सकता हूं। पूरा प्रकाश कर दिए, जरूरत सिर्फ इतनी है। समझो गाय है, बड़ी अच्छी है, सुंदर है, सर्वगुण संपन्न है, दूध भी उसका बहुत बड़ा गुणकारी है, विशिष्ट आहार दिया है, खिलाया है, सब कुछ है, लेकिन दूध नहीं मिलता है हमें। कब तक? जब तक बछड़ा पीने नहीं लगता है तब तक। उसके बाद उसी को निमित्त करके बाकी सबको दूध मिल जाएगा, लेकिन पहले बछड़ा उसका उसके पास जाना चाहिए तब। तो इन ग्रंथों में सब कुछ है, मां ने पूरी तरह से दिखाया है। मां जो कहती है ना कि कुछ भी छुटा नहीं, राजयोग लयोग मंत्र हटयोग सब कुछ प्रकाश शरीर को छूके गए हैं। इन दुनिया में ऐसी कौन सी भी वस्तु अब नहीं रहेगी और नहीं रही है जो नया संशोधन हो गया है, नहीं। सबका सब उसी का अनुष्ठान हमें दिखाने के लिए शरीर द्वारा हो ही गया है। जो लीलाओं का वर्णन है, साधना की लीलाओं का, आप जरूर देख लीजिए। इस दृष्टि से कौन सा भी मार्ग छुटा नहीं उसमें। तो कहते हैं भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं दीक्षा देने के लिए, प्रकाशित होते हैं। मां कहती है उसके बाद इतने आनंद में रहता था शरीर। हमारे मन में सवाल हमेशा आता है ना, क्या हम साधना ठीक कर रहे हैं, नहीं हमारा साधन ठीक चल रहा है या नहीं। कर रहे हैं लेकिन ठीक चल रहा है या नहीं, इसके लिए कौन सा मानदंड है, क्राइटेरिया क्या है इसका। मां ने स्वयं बताया है अपूर्व आनंद, दुनिया के सब दुखों से मुक्त, सब प्रकार के तनावों से दूर, पूर्ण शांत, पूर्ण आनंद की जब अनुभूति होने लगती है तब हमारा साधन ठीक मार्ग से चल रहा है। तो फिर दीक्षा के बाद जैसे बताए वैसा हम जप करते, संध्या करते, सब कुछ करते, सालों साल करते हैं, फिर भी हमें अनुभूति क्यों नहीं आती है? सिर्फ एक बात के लिए, गलत रास्ते पर नहीं जा रहे हो, जा रहे हो सही रास्ते पर।
दीक्षा प्राप्त हुई है, मंत्र प्राप्त हुआ, इसका मतलब ठीक रास्ते पर तुम जा रहे हो। फिर हमें अनुभूत क्यों नहीं होता है? तो गुरु जी कहते हैं, अरे मूर्ख, तुम देखता किधर है और चलता किधर है? भगवान को अपना है, उनका साक्षात्कार करना है, और तुम मेरा घर बार, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा मित्र, मेरा शत्रु, इनकी तरफ ही देख रहे हो। चलते हैं उधर, देखते इधर, इसीलिए हमेशा टकराते हो, ठोकर लग जाती है, लड़खड़ाते रहते हो, और ऐसा लगता है कि ठीक चल रहे हैं, ऐसे गिरे क्यों? फिर जहां जाना है उसी को लक्ष्य करके उसी की तरफ जाओ, छोड़ दो, अपनी जगह छोड़ दो। हाँ, अपना कर्तव्य भूलना नहीं। सब साधना लीला में माने सब बातें दिखाई है। रात में बैठती थी और दिन में पूरे घर की सफाई करना है, सब कुछ करना है, रसोई बनाना है। भोलानाथ जी के लिए जब कचहरी से वो वापस आएंगे वो भी सब प्रबंध करके रखेगी, रात का भोजन भी, उनका हुक्का भी तैयार करके रखेगी। बाद में साधना लीला, माने कर्तव्य में बिल्कुल कम नहीं करना। ये मां नहीं करती तुम्हारा कर्तव्य नहीं करना, छोड़ दो सब, नहीं। ये तो मुश्किल है सबके लिए, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए हो सकता है कि सब कुछ परित्याग करके सन्यासी बन गया, व्यक्ति विशेष के लिए है ये, आम तौर पर सबके लिए हो नहीं सकता। कल का प्रसंग में फिर से आपको उस शब्द को दोहराता हूं, सिर्फ अत्यंत झूठ बर्ताव करने वाला, मां से भी झूठी बातें बोलने वाला, इसी को देखकर वो चला जाने के बाद स्वतंत्रता मुझे मां से पूछती है कि मां ये अत्यंत झूठा आदमी है, इसकी बातों पे नहीं आना। वो समझते थे कि मां कुछ बोली नहीं, प्रोत्साहित कर रही थी, हाँ अच्छा अच्छा बाबा, इससे उनको ऐसा लगा कि शायद मां भी इनके भाष्य संभाषण के प्रभाव में आ गई है, इसलिए कहते इनकी बातों में नहीं आना। मां क्या कहती है, सिर्फ बाबा जीव है ना, उसके धर्म तो उसके पास रहेंगे, असत्य है सब कुछ जीव के पास रहेगा ही, जानती है। और इसमें और एक बात सूचित की है, माने बता देती है, जब तक तुम जीव हो तब तुम भी असत्य के आश्रय हो। मैं कितना भी क्यों न कहूं, हां मैं सत्यवादी हूं, सब कुछ ठीक है, फिर भी मैं, मेरा ये जो है पूर्ण रीति से असत्य है ना, इसी का आश्रय मैं करता रहूंगा। जब तक जीव है तब तक असत्य का आश्रय है। इसलिए साधना लीला जो इसमें माई दिखा रही है कि अपनी मर्यादाओं का पूरी तरह से कर्तव्यों का पालन, उसके बाद व्यक्तिगत साधना। इसका मतलब ये नहीं है कि समझो 12 घंटा ये की और 12 घंटा साधना की, नहीं। तो साधना लीला में सब बातें है, ये भाव ये अवस्था घर का काम करते समय भी है, 24 घंटा इस आनंद से व्याप्त रहती थी। साधना लीला के बाद, वहां से उठने के बाद जो आनंद आता है, उस आनंद में 24 घंटा यानी गृहस्थी का कामकाज करते समय भी वही अवस्था
साधना करते समय भी वही है, दिखाया है भगवान ने। ने अत्यंतिक आनंद पूर्ण जीवन सिर्फ मां को देखने से होता है व्यक्ति का। किस प्रकार अपूर्व आनंद में सबके साथ व्यवहार करती थी, साधन लीला में वही बात दिखाई है। ओम भवताप प्रणाशिने आनंद फलमूर्ते ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातर नमो नमः। जय मां।